संभाजी ब्रिगेड क्षेत्रपट आघाड़ी वाइस प्रेसिडेंट जुबैर खान। ये क्लास ऑफ 83 मूवी निकली थी कोविड के वक्त और इसके ऊपर मैंने कंप्लेंट किया था और ये अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए अभी हमने आपको बुलाया है ताकि मीडिया के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को लोगों के बीच में लाएं। और ये आप इसके अंदर कंप्लेंट की डेट देखेंगे 2020-22-11 को हम लोगों ने कंप्लेंट किया है और अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम ये जानना चाहते हैं क्यों ऐसा। पुलिस डिपार्टमेंट जो दिन रात हम लोगों के लिए खड़ी है, अपनी जान दांव पे लगाकर दिन रात हमारी मदद कर रही है, हर वक्त हमारे देश की इज्जत है, और ऐसे वक्त हम लोग उनकी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं पिक्चर के ज़रिए, वो बहुत ही घिन वाली बात है, घिनौनी बात है। मेरे बच्चे ने भी मूवी देखा, उसे लगा कि सिंघम जैसी कोई अच्छी मूवी है, जब वो देखा तो उसने देख के एकदम हैरान हो गया, बोले पापा व्हाट इज़ दिस। तो मैं उसे जवाब नहीं दे पाया कि मैं क्या बोलूँ उसे, मैं नेटफ्लिक्स पे जब देख रहा था मैं शर्मिंदा हो गया कि मेरा बच्चा मेरे साथ में बैठा हुआ है। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे कोविड के वक्त, कितने पेरेंट्स होंगे जो साथ में बैठ के देख रहे होंगे कि सिंघम जैसी कोई अच्छी मूवी है, ऑफिसर का कोई अच्छा कैरेक्टर होगा, तो देखने के बाद क्या जवाब देंगे अपने बच्चे को। जाहिर सी बात है मूवी को बंद करना पड़ेगा। तो ये पैसा कमाने के लिए कोई भी हद तक जा रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट आर्मी डिपार्टमेंट किसी को जली करे बिकरे बाज नहीं आ रहे, और तो किसी ना किसी को कदम उठाना होगा और ये हमने शुरुआत की है और पूरी संभाजी ब्रिगेड सारी टीम इस पर मेहनत कर रही है। हमारे मैडम कोमल जी ये दिन रात हम लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि ये गंदगी को रोका जाए। और इस मामले में मतलब क्या कुछ पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, आप लोगों ने बात की, कंप्लेन किया, क्या कुछ चल रहा है? हम लोगों को दिलासा तो दिया गया था कि एक्शन बहुत जल्द लेंगे, वो जब खुद देखे तो उनको खुद को भी अच्छा नहीं लगा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती है और किस मुँह से हम लोग क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक्शन होगा एक दो दिन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आज तक इतना वक्त हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दिलासा मिला। फिर मुझे उन्हें कहा गया कि कोविड की वजह से हम लोग होल्ड पे हैं, कोविड ख़त्म होते साथ ही हम लोग FIR लेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स थे उन्होंने कहा कुछ, उसकी वजह से हमने इस वक्त हम अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे क्या सीन्स क्रिएट हुए हैं उस मूवी में, क्या कुछ ऐसे डायलॉग हैं जिसके ऊपर आप लोग? ये देखिए, ये मूवी है क्लास ऑफ 83, एक्टर बॉबी देओल, प्रोड्यूसर शाहरुख खान, गौरी खान, और ये है डिपार्टमेंट के ऊपर बनी हुई मूवी है जो दिखाया गया है कि ऑफिसर बनने से पहले कैसे लोग ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं और वहाँ क्या होता है, और ट्रेनिंग कैंप इतना खूबसूरत होता है और इन लोगों ने इतना बदसूरत बना दिए कि कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि उनकी औलाद जाके पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे और इस टाइप की ट्रेनिंग ले। अब आप इसमें देखेंगे ये कैरेक्टर बोल रहा है कि शुक्ला मिठाई खा ले माने भेजिए, तो वो कह रहा है इतने गंदे लफ्ज़ है कि मैडम मेरे साथ में बैठी मैं बैन नहीं कर सकता हूँ, वो कह रहा है कि मैं मूठ मार रहा हूँ गंदे हाथ लेके मैं खाऊँ क्या, ये ट्रेनिंग पे दिखाया जा रहा है। दूसरे शॉट में उसने कहा है कि यहाँ का डीन भी नया है, क्या पता चादरें धुलती भी है कि नहीं, और हम सब वही उड़ते हैं वही रोटेट होती है, इस तरीके के डायलॉग जो बहुत ही शर्मनाक है। करते करते इन्होंने हद क्रॉस कर दी, एक वक्त ऐसा आया इन्होंने एग्ज़ाम दिखाया, एग्ज़ाम में बैठे हुए दिखाया और कह रहे हैं कि आज तो शुक्ला मूठ भी नहीं मारा है, क्योंकि अगर मूठ मार के आता तो एग्ज़ाम में पास नहीं होता, अपशगुन हो जाता, इस तरीके के डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है जगह जगह पर। और फिर इन्होंने तो हद ही कर दी, एक फीमेल है इसके अंदर, वो फीमेल के सामने भी इन्होंने सेम तरीके का डायलॉग का यूज़ किया है बंद लफ्ज़ों में। और उसके बाद करते करते जब ये ऑफिसर बन जाते हैं, बनने के बाद में मुंबई ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। ये देखिए, ये डिपार्टमेंट के ही ऑफिस के अंदर एक टॉयलेट है, वहाँ जाकर ये शख्स ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ड्रेस पे शुक्ला नाम का कैरेक्टर ये वहाँ मास्टरबेशन करते हुए दिखाया जाए। अब इससे ज़्यादा चीप हरकत तो होगी नहीं जो हमारी इंडियन पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश को, जाहिर सी बात है हमारा देश ही बदनाम हो रहा है ये सब चीज़ों से, और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रहा है।
और नेटफ्लिक्स बहुत ही ऐसी चीज़ों को बहुत ही जल्दी ले लेता है और इंटरटेन करता है कि आओ और अपने देश की बदनामी करो। अब ये देखिए आप किस तरीके का एक्सप्रेशन है, क्या है, और ये लास्ट में ही वर्दी के ऊपर दाग लगते दिखाया, और ये डीसीपी साहब के पास जा रहा है। डीसीपी साहब इसे बोल रहे हैं कि अपनी वर्दी पर दाग लगने मत देना, और ये वही दाग को अपने फाइल से छुपाते दिखा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा गंदी हरकत तो होगी नहीं, अब इसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे और एक्शन ज़रूर लेंगे, और इनके पर एफआईआर होना चाहिए हमारी मांग, ताकि ये गंदगी रुके और ये दोबारा ना हो। जी इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने अप्रोच किया था निर्मल नगर पुलिस स्टेशन थ्रू उनके सीनियर। जब हम पहली बार गए तो हमारा ये था कि ये तो लीगल लॉ है कि अगर कोई जाता है कंप्लेंट करने तो आपको बाकी चीज़ें छोड़ के इवन इन्वेस्टिगेशन के लिए तो भी एफआईआर लेनी चाहिए थी, पर उन्होंने एफआईआर लेने से मना किया। उन्होंने ये बोला कि आप एक काम कीजिए, आप रिटन कंप्लेंट दीजिए। ये जो पिक्चर रिलीज़ हुई वो अगस्त में रिलीज़ हुई, और जैसे ही हमको पता चला कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, हमारा सबसे बड़ा थ्रेट यही था कि ये जितना सर्कुलेट होगा बदनामी उतनी होगी, इसलिए हमने तुरंत रिटर्न कंप्लेंट किया। उसके बाद में हम कोविड का सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ था कि कोविड है, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस भी थे कि कोई एडवर्स ये नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे किसी के अगेंस्ट में, तो इसीलिए वो एक्सक्यूज़ पकड़ के पुलिस ने हमको बारंबार बोला कि हम कंप्लेंट करेंगे, हम उनको बुलाएंगे, नोटिस देंगे। उन मेरे पास में कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि उनको नोटिस दिया गया या फिर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। अगर पुलिस ने बुलाया भी है वर्बली तो सिर्फ कोई एक उनके ऑफिस का कोई इंसान उठ के आया है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट देके चला गया, उसके अलावा कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली नहीं गई है। बल्कि ऑन ड्यूटी, ऑन यूनिफॉर्म, ये ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो टोटली ऑब्जेक्शनल है। दूसरी चीज़ कि नेटफ्लिक्स सिर्फ इंडिया या महाराष्ट्र में नहीं है, ये टोटली ग्लोबली पूरे विश्व में दिख रहा है। तो हमारा एक पुलिस का इम्प्रेशन ऐसा हो रहा है कि पुलिस ऑन ड्यूटी ये काम करते हैं, तो नेचुरली एक थ्रेट है उस चीज़ के लिए। इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी सेंसरशिप नहीं है। इसमें सिर्फ जो पिक्चरें रिलीज़ होती है बोर्ड के थ्रू बिग थिएटर्स में, सिर्फ उसमें सेंसरशिप है, मगर OTT प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा डेफिसिट ये है कि कोई सेंसरशिप नहीं है। सर जो हमारे पीयूष सर हैं उनसे भी मिले थे और उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने भी यही बोला कि आपको हमारे यहाँ से कि कोई भी सेंसरशिप नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेशन बोर्ड से आपको अगर जाना है तो आपको सेंटर में जाना पड़ेगा एंड फ्रॉम दिल्ली आपको परमिशन लाना पड़ेगा, एंड इट इज़ अ वेरी बिग बैटल। अगर आज आप OTT सेंसरशिप के लिए बात करेंगे तो OTT शायद मेरे हिसाब से इसीलिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है या इसीलिए आकर्षित है क्योंकि उस पर कोई सेंसरशिप नहीं है, सिर्फ इस पिक्चर में ही नहीं, अगर आप नॉर्मल एक पिक्चर भी ले लीजिए उसमें गालियाँ है, सेक्सुअल सीन्स है या फिर कोई भी टाइप का ये है, वो ओपनली इसी वजह से दिखाया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी सेंसरशिप नहीं है। हमारे पास में वो लॉ ही अभी तक नहीं है कि जहाँ पे OTT के ऊपर हम एक रिस्ट्रिक्शन ला सके, और हम इसके आगे काम करेंगे। इसमें और एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि हमारा नेक्स्ट स्टेप, अगर इसके इन इतने सारे प्रयासों के बाद में भी अगर पुलिस ने नहीं लिया तो हम 156(3) करके हम कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे, एंड मिस्टर बॉबी देओल, शाहरुख खान, गौरी खान और बाकी के जो प्रोड्यूसर्स या स्टारकास्ट हैं उनके अगेंस्ट में FIR 100% रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एथिकली रॉन्ग है। भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज ये पत्रकार परिषद की ओर से हम ये एक अहम मुद्दा सामने लाना चाहते हैं कि भारत में जो संस्कृति है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की संस्कृति है, ये अपनी एक अस्मिता है। जैसी ये अस्मिता है वैसे ही भारत की पुलिस, भारत की सैन्य दल, भारत के महापुरुषों और भारत के जितने भी संत परंपरा है इनकी भी एक अलग से अस्मिता है। और OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस ये सभी संस्कृति को, ये सभी अस्मिता को चैलेंज देने का काम कर रहे हैं। हमारे संस्कृति में इतना गंदापन कभी भी कहीं भी कल्चर में नहीं है, वो दिखाने का काम, उस कल्चर को बढ़ावा देने का काम ये OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से चला है। उसका एक नमूना क्लास ऑफ 83 जो हमारी महाराष्ट्र पुलिस, हमारी इंडियन पुलिस इंटायर खाकी वर्दी के ऊपर दाग लगाने का काम ये क्लास ऑफ 83 के माध्यम से हुआ है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ। दूसरी बात, ये जो रेड चिली कंपनी है, इनके जो मालिक है गौरी खान और शाहरुख खान, तथा नेटफ्लिक्स जो OTT प्लेटफॉर्म कंपनी है उनके मालिक, और ये चित्रपट बनाने के लिए जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये जितनी भी एंटायर टीम है, इनका कड़ा शब्दों में हमको निषेध करना चाहिए और इसके आगे भी हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। खास बात ये बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस, क्योंकि वो महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर और मुंबई पुलिस के ऊपर बने हुए चित्रपट है, ये महाराष्ट्र पुलिस की स्कॉटलैंड पुलिस के बराबरी की जाती है। ऐसे पुलिस को तुम बदनाम करने का काम कर रहे हो जिन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस ने हजारों ऐसे केसेस है जो बहुत बहुत ही सरलता से उन्होंने छुड़ाया है, ऐसे सभी केसेस के ऊपर उन्होंने काम किया है। फ्लड होने दो, बम ब्लास्ट होने दो, और कोई भी कठिन प्रसंग हो, महाराष्ट्र पुलिस हमारे पीछे, इस जनता के पीछे खड़ी रहती है। आज जनता का टाइम आया है कि उनके पीछे खड़ा रहने का, क्योंकि उनकी बदनामी की जा रही है। ये क्लास ऑफ 83 जो पिक्चर है इसमें महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं सबसे पहले संभाजी ब्रिगेड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक लड़ाई बाहर लाने की मुहिम लड़ने की उन्होंने एक ताकत बताई है, क्योंकि ये रेड चिली एंटरटेनमेंट शाहरुख खान की एक बहुत बड़ी समझो फिल्म इंडस्ट्री की नामी जामी कंपनी है, उसके खिलाफ खड़े होने की इन्होंने ताकत बताई है। और जब जुबैर भाई ने मेरे को ये बताया कि ऐसा ऐसा पिक्चर आया है OTT प्लेटफॉर्म पे, तो ये बहुत निंदनीय है कि भाई ये बहुत गलत बात है, क्या ये ऐसी पिक्चर आनी नहीं चाहिए थी जो अपने इंडियन पुलिस, मुंबई पुलिस की अस्मिता को ख़राब करने की और उनको गलत तरीके से बताने की ये बहुत बड़ी साजिश रची है। और जब 2020 में इन्होंने अगर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ये FIR के लिए गए थे, और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की भी ये क्या मजबूरी हो सकती है कि अपनी खुद की अगर अस्मिता को बचा नहीं सकते, तो ये बहुत गलत बात है। खुद ही ऊपर कमिश्नर लेवल, DCP लेवल पे बात करके जैसे इन्होंने समझा है कि भाई वो 0 FIR के लिए हर पुलिस स्टेशन इसके लिए खड़ी होनी चाहिए कि भाई ये हमारी वर्दी के ऊपर बात है, हमारी अस्मिता, कल हमारे बच्चे क्या बोलेंगे। और ये ऐसे इतनी गंदी शॉट बताई हुई है पिक्चर में, क्या वो देखने के लायक भी नहीं है। कल को उन्होंने बरोबर बोले कि बच्चे लोग हमारे को क्वेश्चनेबल रहेगा कि बच्चे ये मुंबई पुलिस ऐसी है क्या। अगर कोई बच्चा का ड्रीम रहेगा हम मैं IPS बनूं और पुलिस भर्ती में जाऊं, तो ये मैं जा सकूंगा कि नहीं सकूंगा, ये ऐसे सब व्यवहार उदय होते। क्योंकि एक बच्चा जब एक पिक्चर देखता है तो ये नहीं सोचता कि आगे जाके क्या है, उसके दिमाग में ये रहता है मुंबई पुलिस के ऊपर ऐसे बहुत से पिक्चर आए, पर ये जो इतनी गंदी शॉट डाला गया है कि ये घर पे क्या कहाँ भी देखने के लायक नहीं है। और कल को जैसे इन्होंने सर ने बोले क्या स्कॉटलैंड पुलिस नंबर 2 पे मुंबई पुलिस को गिना जाता है, जितने अनसॉल्व केसेस है, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस है जो भी है बहुत मुंबई पुलिस ने सॉल्व करी है, तो उनका अस्मिता ऐसा ख़राब नहीं करना चाहिए। और इसकी लड़ाई मैं, मेरी टीम और हम लोग भी वरिष्ठ से ऊपर बात करेंगे कि हमको इनके साथ खड़े होने की और लड़ने की हमारे को इजाज़त मिले, और हम भी NCP के तमाम नेतागण और कार्यकर्ता इनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रह के ये लड़ाई लड़ने की इंशाल्लाह हम लोग साथ देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने
किसी आला अधिकारी किसी बड़े पद पर बैठे किसी नेता किसी भी पॉलिटिकल चाहे हो किसी भी पार्टी का हो या किसी बड़े अधिकारी से आपने इस मामले में बात की है, क्या कुछ रिप्लाई है अगर बात करो? अभी हम लोग गए थे सत्यनारायण साहब के पास में, वहाँ जाके हमने डिस्पैच की एविडेंस दिया हुआ है और उन्होंने हमें कहा है कि मैं इस चीज़ की जांच करता हूँ और इंक्वायरी करेंगे जल्द से जल्द। आपका अगला कदम क्या होगा अगर इस पे केस पे को आप इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि 3 साल से आप फॉलो करते जा रहे हैं? जी, जो लोग को इस केस में आगे आके करना चाहिए अगर वो अनफॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं? जी, हमारा तो फर्ज है, जब डिपार्टमेंट हमारे लिए अपनी जान को जान नहीं समझता और दिन रात हमारे लिए खड़े रहता है, आज कितनी भी मुश्किल हो, हमें आज किसी की धमकी आती है हम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि सर ऐसा ऐसा है हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी ये लड़ाई को लड़े, आखिर तक लड़े और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी, ये उम्मीद है।